हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्का दाल गेमिंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बट मेरी जिंदगी इस तरह चल रही है कि दिल कम कीबोर्ड ज्यादा टूट रहे हैं। कल की ही बात बता देता हूँ आपको, मैं जा रहा था 250 ग्राम उड़द की धुली हुई दाल लेने और धोखे से गिर गया मेरा मास्क। फिर होता है ये। अरे भैया, हाँ इधर लाओ। बसों से इतने हरामी बच्चे हैं आजकल के कि शैतान भी देखता होगा तो बोलता होगा अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। क्या कुछ नहीं ट्राई करा मैंने, मछली भी पकड़ के देख ली, प्रिजन भी चला के देख लिया, वीडियो पे व्यूज नहीं जाते 100 से पार। तो उसी छोटी सी प्यारी सी लविंग सपोर्टिंग ऑडियंस के लिए मैं बनाता रहूंगा हमेशा वीडियोस। उन्हीं के लिए आज मैं बना हूँ टैक्सी ड्राइवर। तो सीधा वीजा लेके मैं आ चुका हूँ बार्सिलोना टैक्सी चलाने के लिए। मैं आ चुका हूँ अपनी पहली राइड के पिकअप लोकेशन पे। गाड़ी मेरे को एग्जैक्ट इस डब्बे के अंदर पार्क करनी है जब भी वो घर से निकल के आएंगे। पूरा 15 मिनट वेट कराने के बाद हमारी सवारी आई है। पूरे 3 लोग है भाई साहब। तो चले मैडम बैठ गए। ए भैया, चलना ही होता तो टैक्सी क्यों करती। तो आज का सबसे पहला लेम जोक हमारे पैसेंजर ने ही मार दिया। 10 मिनट हुए ही थे हमें चलते चलते, इतने मैडम ने पूछ लिया, भैया एक बात बताओ, 80 साल बाद बुर्ज खलीफा को क्या कहेंगे। ऑब्वियसली बुर्ज खलीफा ही बोलेंगे, नहीं बुजुर्ग खलीफा। बस यही सुनने के बाद मन में एक बारी ख्याल तो आया, इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ मैं, बस मैडम से पूछ लिया दुनिया की सबसे भद्दी आवाज सुनी है क्या आपने। तो मैडम ने बोला नहीं। मैंने तो शुरू ही करा था, इतने में तो भाई इन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दी। पर कोई बात नहीं, सवारियों की कमी है क्या, 5 मिनट में हमें मिल गई हमें अपनी दूसरी सवारी। जो कि मैडम एकदम हमारा वेट कर रही थी, आती वो गाड़ी में बैठ गई तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। और मैडम की लोकेशन दिखा रही थी बेगमपुल, तो मैंने कंफर्मेशन लिया कि मैडम आपको वहीं जाना है क्या। मैडम ने बताया कि वहां पे एक जुल्फकार चौमीन वाला है, तो बिल्कुल वहीं मैडम को छोड़ना है एग्जैक्ट। और भी बहुत सारी बातचीत हुई मैडम से, कहने लगी कि आप यहां पर नए लग रहे हो। तो मैंने बताया कि मैम आप मेरी सेकंड ट्रिप हो, अभी तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं आया, मैं खुद लर्निंग पर चला रहा हूँ। अरे भाई साहब, गाड़ी की स्पीड मेरी पहुंच गई 70 से ऊपर। मैडम भी कह रही है थोड़ा हल्का चलाओ, और दूसरी चीज ये है 70 से ज्यादा मेरी स्पीड होगी तो मेरा चालान कटने की भी चांसेस है अगर वहाँ पे कैमरा लगा रहा होगा तो। अरे मैडम पीछे तक हवा आ रही है, एसी वेसी की स्पीड तो नहीं उड़ानी। अरे भाई साहब आके देख लो, ग्रीन सिग्नल हो गया, क्या कर रहे हो। अरे 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 सॉरी 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 सॉरी। अबे अंधा है क्या। अरे मैडम कैसे लोग तुम्हारे शहर के जा रहा हो रहे हैं, मेरी दिया उसने। एक काम कर, इसे बेच के मेट्रो रिक्शा ले ले, वो चला लियो। इतना सुनने के बाद अब मैं क्या ही बोल सकता था, और मैडम भी क्या ही कहती है मेरे को। तो ओले ओले मैंने उनकी डेस्टिनेशन पर उन्हें छोड़ दिया। गलती से भी मत दिख जाइए। तो गुड नाइट मैम, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। ट्रिप के हमें मिले 134 यूरो, जिसमें डेंटिंग के लेके 300 यूरो, तो ज्यादा नहीं 150 यूरो का नुकसान हुआ है। बट हाँ, 2 ट्रिप के बाद मुझे इतना तो पता चल चुका था कि अगर मैं अपनी मुंह पे उंगली रखूंगा तो ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी तीसरी ट्रिप की पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। बेशक ये सवारी भी बढ़िया थी, ये भी मेरा वेट कर रही थी, आती है मेरी गाड़ी में बैठ गई। भैया बस 5 मिनट में पहुंचा दो, दोस्त के कुत्ते की बर्थडे पार्टी में जाना है। बैठा रहे भाई शांति के साथ, गाड़ी है एनीवेयर डोर नहीं है। बढ़िया है ना, पैसेंजर को भी समझ में आ गया कि बंदा रूड है, फालतू बातें नहीं करनी। तो आराम से इसकी ट्रिप पे छोड़ के आऊंगा, काम खत्म, पैसे कमाऊंगा। और बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक तरीके से हमारी तीसरी राइड भी हुई पूरी। गेट अ लाइफ ब्रो। चलो खैर, ये तो समझ गया मैं, चुप रह के ड्राइव करने में ही फायदा है। बहरहाल कितने मिले ट्रिप के, 500 यूरो। अरे वाह। तो आज पूरे दिन ड्राइव करने के बाद, सवारी ढोने के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी टैक्सी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। तो मैं यहाँ बबलू मैकेनिक के पास आया हूँ ताकि अपनी गाड़ी की बढ़िया सर्विसिंग वर्विसिंग करवाऊँ मस्त एकदम। इसका टोटल खर्चा है 600 यूरो, उसके अंदर मेरी टंकी भी फुल हो गई है, गाड़ी मस्त एकदम अनटच हो गई है। सवारी ढो, पेट्रोल डलवाओ, पैसे कमाओ, इससे ज्यादा गेम में कुछ नहीं है। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब सिक्का दाल गेमिंग। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं किसी गेम पे वीडियो बना सकता हूँ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।